पिलातुस नामक एक रोमन गवर्नर ने यीशु को मौत की सजा दी, इसलिए सैनिकों ने यीशु को ले जाकर लकड़ी के क्रूस में कीलों से ठोक दिया। दोपहर लगभग 3 बजे यीशु की मृत्यु हो गई। यूसुफ नाम का एक धनवान व्यक्ति था जो यीशु का शिष्य था। शाम होने से पहले यूसुफ ने पिलातुस के पास जाकर पूछा, क्या मैं यीशु के मृत शरीर को क्रूस से उतार कर कब्र में रख दूं? पिलातुस ने यूसुफ को ऐसा करने की अनुमति दी। इसलिए यूसुफ ने यीशु के शरीर को लकड़ी के क्रूस पर से ले लिया और उसे एक नए कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने यीशु के शरीर को अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने पहाड़ी की चट्टान में खुदवाया था। कुछ धार्मिक प्रधानों यहूदी याचकों ने पिलातुस के पास गए और उससे कहा, वह झूठा यीशु मरने से पहले उसने कहा था कि वह 3 दिन बाद जी उठेगा। उस झूठे के चेले उसके मृत शरीर को उसकी कब्र से चोरी करके ले जा सकते हैं और फिर सभी को बता सकते हैं कि वह वापस पुनर्जीवित हो गया है। इस पर पिलातुस ने कुछ सैनिकों को आज्ञा दी, जाकर उस कब्र की रखवाली करो कि कोई उसके शरीर को ना चुरा सके। सो कुछ सिपाही गए और रात दिन कब्र की रखवाली की। तीसरे दिन यीशु के मरने के बाद भोर को कुछ स्त्रियां कब्र पर आईं और यीशु के शरीर पर छिड़कने के लिए सुगंधित सुगंध द्रव लाईं। रास्ते में उन्होंने पूछा, हम उस भारी पत्थर के ढक्कन को कैसे हटा सकते हैं जो कब्र के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करता है? अचानक पृथ्वी हिल गई, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आया और कब्र से पत्थर के ढक्कन को हटा दिया। इससे सिपाहियों में भय छा गया, यहां तक कि ना तो वे भाग सकते थे और ना ही हिल सकते थे। जब स्त्रियां कब्र पर आईं, तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो लकड़ी के क्रूस पर मरा था? वह अब यहां नहीं है, क्योंकि वह मृत्यु से पुनरुत्थित होकर जीवन में आ गया है, जैसा कि उसने कहा था। स्वर्गदूत ने कहा, आओ उस कब्र के अंदर देखो जहां उन्होंने उसे रखा था। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ यीशु के शिष्यों से शीघ्र कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। यद्यपि स्त्रियां डरी हुई थीं, लेकिन वे खुश भी थीं, इसलिए वे यीशु के चेलों को यह सुसमाचार देने के लिए दौड़ गईं। जब वे स्त्रियां मार्ग में थीं, तो यीशु आप आकर उन स्त्रियों को दिखाई दिया और कहा, सलाम। अतः स्त्रियों ने उसको भूमि पर गिरकर दंडवत किया। यीशु उनसे कहा, जाकर मेरे शिष्यों से कहो कि वे गलील में जाएं, जहां वे मुझे देखेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, इस जग में तू आएगा इस जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका,
नम्र होकर चरणी में पैदा हुआ। मनो में हमारे घर तू बना, ईसु घर तू बना, ईसु घर तू बना। मनो में हमारे घर तू बना, नम्र हो के चरणी में पैदा हुआ। मनो में हमारे घर तू बना।